तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीवीपी न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की न्यूज़ की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे, इंडियन एयरफोर्स में लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर इंडक्ट कर दिए गए हैं, जो कि मेड इन इंडिया है और इनका ऑफिशियल नाम रख दिया गया है जो कि है प्रचंड। तो पहले आप सब इसकी छोटी सी एक झलक जरूर देख लें। तो अब बात करते हैं इसकी खूबियों की। तो कहा तो ये जा रहा है कि ये हर तरह के मौसम और हालात में उड़ने के लिए सक्षम है। और इसकी जो कैनन है, जो आपको आगे दिख रही होगी बिल्कुल फ्रंट पे लंबी सी, ये हर मिनट 750 गोली दागने में सक्षम है। और इसको एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइल से भी लैस किया जाएगा। तो अगर अब हम इसके वजन की बात करें तो खाली हेलीकॉप्टर का वजन है 2250 किलो, और अगर हथियारों के साथ बात करें तो हथियारों के साथ इसका वजन होगा 5800 किलो। और अगर इसकी रफ्तार की बात करें तो इसकी रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा की है, और ये 13 से 16 हज़ार फीट की ऊंचाई पे उड़ान भरने में भी सक्षम है। और अगर इसके सेंसर्स की बात करें तो ये रडार वार्निंग सेंसर और लेज़र वार्निंग सेंसर से भी लैस है। तो अब हम बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। पर कॉस्ट की बात करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये मेड इन इंडिया के तहत कितना बना है और कितना इसके कलपुर्जे बाहर से इंपोर्ट करवाने पड़े। तो अगर मेड इन इंडिया के तहत अगर बात करें तो ये सिर्फ 45% ही मेड इन इंडिया है, बाकी के जो इसके कलपुर्जे हैं हमें बाहर से इंपोर्ट करने पड़े, और वो 55% है जो इंपोर्ट किए हैं। तो इसे हम पूरी तरह मेड इन इंडिया नहीं कह सकते। पर हाँ, इसका जो नेक्स्ट वर्जन जो आएगा वो हो सकता है 55% मेड इन इंडिया हो। तो अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो ऐसे 15 हेलीकॉप्टर बनाए गए हैं जिनकी कॉस्ट आई है 3885 करोड़। तो 10 तो एयरफोर्स में इंडक्ट कर दिए गए हैं, बाकी के 5 जो होंगे वो नेवी में इंडक्ट कर दिए जाएंगे। तो हम बात करें एक हेलीकॉप्टर के कॉस्ट की, तो ये एक पड़ता है हमें 260 करोड़ का। तो अब अगर हम बात करें इंपोर्ट करने की, तो अब अमेरिका का अपाचे ही ले लो, उसकी कॉस्ट लगभग आती है 1100 करोड़ की। एक हेलीकॉप्टर की जो कॉस्ट है वो 1100 करोड़ की आती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जितनी अमाउंट में हम अमेरिका से एक परचेज़ करते हैं ना, उतनी अमाउंट में हम अपने घर में ही 3 हेलीकॉप्टर प्रचंड जैसे बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी डिमांड की, कि इसकी डिमांड क्यों आन पड़ी। अब ये बात है कारगिल युद्ध के समय की, और तभी हमें ऐसे ही हेलीकॉप्टर की ज़रूरत महसूस हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो सेना थी वो काफ़ी ऊंचाई पर बैठ के हमला कर रही थी, जो कि बहुत आराम से हमारे काफ़ी सैनिक वो मार चुके थे। अगर उस समय हमारे पास कोई ऐसा हेलीकॉप्टर होता तो हम बहुत ही आसानी से उनके बंकर्स तबाह कर सकते थे, और ना ही हमारे सैनिकों को इतनी जानें गंवानी पड़ती उस समय। और तब से ही HAL ने इस पर काम शुरू कर दिया था, और आज पूरे 22 साल बाद रिज़ल्ट निकल के सामने आया है प्रचंड जैसा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।